हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत स्वाद आपका फिर से नए वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो में हम निकाले हैं भारतीय चुनावों में अपनाई जाने वाली नामांकन प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं भारतीय चुनाव में अपनाई जाने वाली नामांकन प्रक्रिया दोस्तों चुनाव लड़ने के इच्छुक दोस्तों चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना होता है और कुछ राशि जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रत्याशियों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली भी शुरू हुई है कि अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरे देते हुए वैधानिक घोषणा करनी हो होती है और निम्न सूचनाएं देनी होती हैं पहला है कि प्रत्याशी के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले और दूसरा है प्रत्याशी की शैक्षिक युक्तता और तीसरा है प्रत्याशी और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग वीडियो पसंद आएगी वीडियो को हमें लाइक न शेयर करना चैनल पर सब्सक्राइब करना